नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका trucksbuses.com पे। टाटा के BS6 फेज टू रेडी ट्रक्स आ चुके हैं। ये सारे RDE कंप्लाइंट हैं। इसमें कंपनी ने सैकड़ों नए मॉडल्स निकाले हैं, ढेर सारे फीचर्स गाड़ियों में ऐड किए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं टाटा का नया 16 चक्का ट्रक LPT 4830। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नया काउल डिजाइन जो कि अब आपको सारे LPT ट्रक्स के अंदर मिलेगा जो कि BS6 फेज 2 कंप्लायंट है। यहां पे आपको 4830C की ब्रांडिंग मिल जाती है। 48 का मतलब है 47.5 टन ग्रॉस व्हीकल वेट, 47.5 टन का GVW, और 30 का मतलब है अभी आपको 300 हॉर्स पावर में मिलता है। जो पहले 48-25 आता था वो 250 हॉर्स पावर में आता था। तो इंजन रिमेनिंग द सेम, द पावर हैज बीन इंक्रीज टू 300 HP, और C का मतलब है कमिंस। इसके अंदर 6.7 लीटर कमिंस इंजन आता है जो कि 6702 CC का होता है। एक और बात, इसके अंदर अब टॉर्क मिलेगा आपको 1100 Nm का। सो सच अ मैसिव टॉर्क इज केपेबल एनफ टू कैरी ऑल काइंड ऑफ लोड्स। अंदर आपको 9 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है G1150, और जो ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग है वो चेंज हो चुका है। जो पुराने ज़माने का 2-स्पोक स्टीयरिंग होता था वो बदल चुका है। टाटा के ट्रक्स में अब आपको मिलेगा 4-स्पोक नए ज़माने का स्टीयरिंग व्हील। प्लस इसके अंदर क्रूज कंट्रोल आ चुका है। तो जब आप लंबे स्ट्रेचेज पे चल रहे हैं, दिल्ली आगरा लखनऊ पे चल रहे हैं, पुणे मुंबई पे चल रहे हैं, मुंबई बैंगलोर रूट पे चल रहे हैं, जहाँ पे रास्ते बड़े अच्छे हैं एंड यू कैन स्ट्रेच ओवर द लॉन्ग रोड्स, वहाँ पे आपको एक्सेलरेटर पेडल को रेगुलरली एंगेज करके रखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि पैर और एडी के अंदर दर्द होने लग जाता है। आप सिर्फ क्रूज कंट्रोल को एंगेज कीजिए, गाड़ी आपकी निरंतर एक ही स्पीड पे चलती चली जाएगी। इससे एक तो ड्राइवर की फैटीग भी कम होगी, सेकेंडली इससे गाड़ी की माइलेज और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। प्लस गियर शिफ्ट एडवाइज़र है इसके अंदर, कौन सा गियर कितने स्पीड पे लगाना है निरंतर गाइड करता रहेगा। 3 मल्टी ड्राइव मोड्स है इसके अंदर, लाइट मीडियम हैवी। खाली गाड़ी है, प्लेन स्ट्रेचेज हैं तो लाइट मोड, गाड़ी में लोड पूरा है और नॉर्मल रास्ता है तो मीडियम मोड, और अगर गाड़ी में लोड भी बहुत है और इंक्लाइन पे चढ़ रहे हैं उस टाइम पे हैवी मोड। तो मोड को एंगेज करके आप माइलेज का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये ट्विन स्टेयर एक्सल है, ये एक्सल और ये एक्सल दोनों एक साथ घूमते हैं जब ड्राइवर स्टीयरिंग घुमाता है। तो इसमें आपको पैराबोलिक कमाने मिल जाते हैं। चैसी देखे कितना गहरा है, तो इतना गहरा चैसी मतलब जितना गहरा चैसी होता है उतना ही उसका बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, और बेंडिंग मोमेंट को आम भाषा में आप समझ सकते हैं कि उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जाने जाते हैं टाटा ट्रक्स अपनी लॉन्ग लाइफ रिलायबिलिटी के लिए। ये है 365 लीटर का पॉलीमर टैंक। तो मेटल टैंक अब नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ कुछ फ़ायदे हैं HDPE पॉलीमर टैंक के। पहली बात तो ये लाइट वेट होता है तो आपका पेलोड थोड़ा सा बढ़ जाता है। सेकेंडली जो मेटल वाला टैंक होता है, लोहे वाला टैंक होता है, उसके अंदर धीरे धीरे हल्का फुल्का जंग लगता है या छनावट होती है जो कि तेल के अंदर मिक्स होके पंप तक जाती है। और आजकल आपको पता है पूरे पूरे इलेक्ट्रॉनिक पंप हैं, तो इसके अंदर थोड़े भी कण जाने से, थोड़ी भी इम्प्योरिटीज जाने से इस पर इसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है, ख़राब हो सकता है। तो पॉलीमर टैंक में वो सारी चीज़ें फट गई हैं। बीच में आपको एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम मिल जाएगा, और ये RDE कंप्लाइंट है, इसकी रियल ड्राइविंग एमिशंस कंप्लाइंट है ये। तो आप जब गाड़ी चला रहे हैं, जब ट्रक चला रहे हैं, तो रियल टाइम में गवर्नमेंट के सर्वर्स और मैन्युफैक्चरर के सर्वर, इन दोनों पे कितना गाड़ी एमिशन दे रही है, कितना गाड़ी धुआं छोड़ रही है, वो रियल टाइम पे सरकार को पता लगता रहेगा। ये है ट्विन टायर लिफ्ट एक्सल, ये एयर बेलोज हैं, इनकी मदद से उड़ जाता है। ऑटोमेटिक सेंसिंग है, गाड़ी में जब लोड नहीं है तो ये ऊपर रहेगा, और जब गाड़ी के अंदर पूरा लोड है तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, वेट बैलेंस कर लेता है। ये है ड्राइविंग एक्सल, 10x2 ट्रक है, इसमें डिफरेंशियल लगा है, जो हांडी बोलते हैं वो यहाँ पे लगी है, प्रोपेलर शाफ्ट से पावर यहाँ पे आती है, और ये है ड्राइविंग एक्सल, तो इससे पूरे पूरे ट्रक को ताकत मिलती है। ये अगेन एक डमी एक्सल है, और ये बेल क्रैंक मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों काफ़ी सारे नए फीचर्स कंपनी ने अब इसमें निकाले हैं। पहली बात तो क्रूज कंट्रोल आ गया है ट्रक्स के अंदर। दूसरा, आपको ADAS मिलेगा, एडवांस ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है इसके अंदर, ड्राइवर स्टेट मॉनिटरिंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम है। अगर आप किसी लंबे सड़क पे चल रहे हैं और एकदम से ड्राइवर को नींद आ जाए तो उस टाइम पे, और स्टीयरिंग अगर घूम जाए, गाड़ी एकदम से लेफ्ट राइट डाइवर्ट हो जाए, उस टाइम पे ड्राइवर को अलर्ट कर देती है, सायरन बजने लग जाते हैं। और इसी पॉलीमर टैंक के अंदर आपको फ्यूल थेफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल
मिल जाता है। गाड़ी में तेल चोरी अब नहीं हो सकती। इसका डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन फ्लीट एज ऐप के ऊपर मालिक को या ट्रांसपोर्ट मैनेजर को चला जाता है। सीट्स उसी तरीके की हैं, इसमें सिग्ना केबिन भी आप ले सकते हैं। मॉडल का नाम हो जाएगा सिग्ना 4830 DT। इसमें प्राइमा केबिन भी ले सकते हैं अगर आपको 4 पॉइंट सस्पेंडेड केबिन चाहिए तो। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कंपनी ने इस RD नॉर्म्स कंप्लायंस को लेके ना सिर्फ गवर्नमेंट की नॉर्म्स को मीट किया है लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं गाड़ियों में, जिससे कि एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया जाए, जिससे कि मालिक का मुनाफा बढ़े। तो ना सिर्फ पावर बढ़ा दी गई है लेकिन माइलेज भी कंपनी क्लेम कर रही है कि पहले के मुकाबले बेहतर हो गए। तो मालिक का प्रॉफिट बढ़ेगा, ड्राइवर की इसमें सेफ्टी बढ़ जाएगी और जब सब कुछ अच्छा चलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।